नारायणा लाइव क्लासेस में कक्षा 9वीं के सभी एफएल बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 3 वृंद, जो वृंद के दोहे, ये जो कविता है, इस कविता के आधार पर रिवीजन असेसमेंट टेस्ट की जो प्रश्न पत्रिका आपको मिल चुकी है, उसी प्रश्न पत्रिका के उत्तर आज हम देखने वाले हैं। इसमें पहले बीट में पहला प्रश्न पूछा है, कवि वृंदावन दास जी का परिचय दीजिए। तो कवि वृंदावन दास का जन्म सन 1643 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वृंद, विनोद सतसई, नीति सतसई, भाव पंचसिका, वचनिका, पवन पच्चीसी, श्रृंगार, शिक्षा आदि है। वृंद के नीति परक दोहे पर प्रसिद्ध है। रचना शैली मुक्तक है और भाषा सरल सहज है। इनका देहांत सन 1723 में किशनगढ़ में हुआ था। इस प्रकार वृंदावन दास जी का परिचय होता है। तो दूसरे बिट में पहला प्रश्न पूछा है, वृंद ने कहा कि मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है, गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हो सकता है, उत्तर सिद्ध कीजिए या उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, वृंद ने कहा है कि मधुर वचन का प्रयोग करने से मनुष्य का क्रोध कम हो जाता है। जिस प्रकार उफनते दूध पर थोड़ा सा पानी डालने पर दूध का उफान कम हो जाता है, उसी प्रकार क्रोधित व्यक्ति से थोड़े से मीठे वचन बोलने पर उसका क्रोध शांत हो जाता है। हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने पर व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसके लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है। तो तीसरे बिट में भाषा की बात पर आधारित एक प्रश्न पूछा है, मानवता शब्द में प्रत्यय पहचान कर लिखो। तो मानवता शब्द में मूल शब्द मानव है, ता प्रत्यय लगने से मानवता प्रत्यय बन गया, मानवता शब्द बन गया, तो इसमें ता प्रत्यय लगा है। इस प्रकार इस प्रश्न पत्रिका के उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।